हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DIY स्टाइलर। आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल DIY फ्लावर। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लांट की ड्राई स्टिक ली है अपने फ्लावर की स्टिक्स बनाने के लिए। आप कोई भी प्लांट से जो सूख चुका हो उसे ये स्टिक्स ले सकते हैं। इन सब स्टिक्स को हम एडजस्ट करके अरेंज करके इसे अच्छे से टेप्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं और इधर उधर बिखरे ना। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपने फ्लावर पेटल्स की लीव्स पेटल्स। तो उसके लिए मैंने ये सर्कल्स कट किए हैं। आप अपने मन से कोई भी सर्कल्स किसी भी तरह के कट कर सकते हैं। इसे मैं पिंक और वाइट पेंट से शेड दे रही हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी कलर से आप इसे शेड दे सकते हैं। तो शेड देने के लिए सबसे पहले हमने पिंक कलर लिया है, उससे मैं इसका बेस बना रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसे पिंक कलर करने के बाद इसे दोनों तरफ से हमने पेंट किया है और उसके बाद हम इस पर वाइट कलर से शेड देंगे। आप कोई भी कॉटन की मदद से उसे टैप करके इस पर शेड दे सकते हैं। इस तरह हम अच्छे से अपने पेटल्स को शेड देंगे। मैंने अपने सारे लीव्स को पिंक कलर से पेंट कर लिया है। अब हम इस पर वाइट कलर से ब्रश की मदद से स्ट्रोक्स बनाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा इफ़ेक्ट आ सके। अब हम इसे ग्लू की मदद से फोर पेटल्स को एक साथ जॉइन करेंगे ताकि ये फ्लावर बन जाए। इसे हम स्टिक करेंगे और सीजर्स के मदद से हम इसे अच्छे से इसके टॉप से कर्ल कर देंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लावर बन जाए और फिर हम इसे ग्लू से स्टिक कर देंगे। इसे स्टिक चारों पेटल्स को एक साथ स्टिक करने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिर हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे और एक शेप दे देंगे फ्लावर का। मैंने यहाँ पे अपने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब मैं इसके सेंटर में ग्लू लगाऊंगी और इसमें थर्माकोल बॉल्स चिपका दूंगी ताकि ये अच्छा सा फ्लावर बन जाए। मैंने यहाँ पे वाइट बॉल्स ही चिपकाई हैं। आप चाहें तो इसे कलर कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी कलर करके इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इसके बाद हम ये बॉल्स स्टिक पे भी लगाएंगे ताकि ये और अच्छा लगे। थर्माकोल बॉल्स को हम लोग अच्छे से स्टिक पे जहाँ जहाँ भी हम आप चाहें आप लगा दीजिए और ये बहुत ही अच्छा लगेगा इन बॉल्स की मदद से। अब हम बनाएंगे इसकी लीव्स। लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई लीव्स ली हैं। आप भी किसी भी पेड़ की ड्राई लीव्स ले सकते हैं। मैं इस पर ब्लैक पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद कोई भी कलर कर सकते हैं। इन लीव्स को मैंने अपनी सारी लीव्स ब्लैक पेंट से कर ली है। अब हम इसमें फ्लावर क्रासल का सिल्वर कलर लगाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा सिल्वर टेक्सचर आ जाए और ये भी अच्छे से शेडेड हो जाए। मैंने सारी लीव्स को ऐसे ही सिल्वर पेंट से कलर कर लिया है। अब हम इसे अपने स्टिक्स पे अच्छे से चिपका देंगे। आप अच्छे से एडजस्ट करके जहाँ पे भी लीफ लगाना चाहें आप अपनी लीव्स लगा सकते हैं। मैंने सारी लीव स्टिक कर दी हैं। अब मैं अपना फ्लावर इस पे स्टिक करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने फ्लावर्स को एडजस्ट करके स्टिक कर दीजिए। सारे फ्लावर्स को हम अच्छे से स्टिक कर देंगे ताकि ये निकले ना।
हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको फ्लावर कैसा लगा। मैंने यहाँ पे ये एक दूसरा फ्लावर भी बनाया है। आप इसी तरह से कोई भी फ्लावर्स ऐसे बना सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्रेस बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।